एक है मोकामा और दूसरा है गोपालगंज। कि मोकामा से श्रीमती नीलम देवी को और गोपालगंज से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन ने दोनों ही सीटों पर गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव होने वाला, उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों ही सीट राजद के खेमे में गई है, यानी कि एक सीट मोकामा जो कि काफ़ी हॉट सीट है, वहाँ से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में होंगे और दूसरे तरफ गोपालगंज 2020 में कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, मगर इस बार राजद ने अपने प्रत्याशी को आगे किया है, यानी मोहन प्रसाद गुप्ता गोपालगंज से उम्मीदवार होंगे राजद के में से। महागठबंधन ने संयुक्त रूप से पीसी कर नामों का ऐलान किया है। जीतनराम मांझी ने वो तमाम नाम जो है वो अनाउंस किए। सबसे पहले आप जीतनराम मांझी को सुनिए। एक की सदस्यता रद्द होने के कारण और एक की मृत्यु होने के कारण स्थान रिक्त हुई है। एक है मोकामा और दूसरा है गोपालगंज। महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के अभी बैठक की और बैठक के उपरांत इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं कि मोकामा से श्रीमती नीलम देवी को और गोपालगंज से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। और हम महागठबंधन के सभी लोग मिल करके इनका जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। यही आज घोषणा करनी थी और घोषणा हमने की। तो आपने सुना, भले ही ये महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, मगर दोनों ही प्रत्याशी राजद के ही हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से नीलम देवी और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में होंगे। महागठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों का ऐलान किया गया। जीतनराम मांझी ने नामों का ऐलान किया और स्पष्ट किया कि इस बार दोनों ही सीट पर राजद के उम्मीदवार होंगे, मगर महागठबंधन एकजुटता के साथ और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और दोनों ही सीट जीतेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसे अपना मत देती है, किसे अपना आशीर्वाद बनाती है और आखिरी फैसला तो जनता को ही लेना है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।